अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है सैंडविच के हवाले से, और आज जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो है वेज एग बॉइल्ड सैंडविच। और तो ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है और हम जानते हैं मम्मा से कि ये कैसे बनेगी। ये बच्चों के आप लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं और इसको आप लोग जब मतलब इवनिंग में चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं। बहुत हेल्दी है और क्योंकि इसके अंदर एग भी है और वेजिटेबल्स भी हैं, तो आप लोग इसको बना सकते हैं। और मतलब दो चार चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी, क्या क्या शामिल होंगी, किस तरह बनेगा, बहुत क्विक से बनने वाला सैंडविच है। तो ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ना ये सैंडविच बना रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर पहले बताएं कि आपने मतलब ये क्या इंग्रेडिएंट ये लिए। आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का डाल दिया। ये अंडे ना मैंने उबाल लिए थे, 3 उबाल के ना ये छोटे छोटे ना टुकड़े कर लिए थे इसके अंडे को। ठीक है, अब मैंने मतलब जैसे हम लोग बनाते हैं स्क्रम जो होता है ऑमलेट या एग, वो हम लोगों ने कर लिया। तो सिर्फ हम लोग इसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट, बाकी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, नमक ज़्यादा मिर्च है ना। बंद गोभी बरीक बरीक काटी थी मैंने, वो ये एक टमाटर बरीक बरीक सा काटा था, इसके बीज निकाल दिए थे मैंने टमाटर के, क्योंकि वेज और हम लोगों ने बॉइल्ड एग के साथ अपने जो सैंडविच को आज हम लोगों ने बनाना है यहाँ पे। तो हम लोगों ने पहले जो सा एग को हम लोग बॉयल किया हुआ था उसको छोटे छोटे पीसेस में स्क्रम जिस एग होता है उस तरह हमने इसको कर लिया। और देन उसके बाद हम लोगों ने सॉल्ट और ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड की है। और अच्छा, इसके अंदर कोई और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं कि बस मतलब यही दो? अगर आपने गाजर डालनी हो तो वो बरीक बरीक जैसे मैंने गोभी काटी है वो आप गाजर डाल सकते हैं इसमें। ओके, अगर आप ज़्यादा तेज़ मसाले वाले खास हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ओके, तो अब अच्छा इसके अंदर हम लोग केचप नहीं यूज़ करेंगे, जस्ट मायनेज़ यूज़ करेंगे। नहीं, हाँ जी। और ये ओके मतलब अगर क्योंकि बच्चों को आपने देना है, अगर मतलब किसी ने केचप को यूज़ करना हो तो वैसे वो कर सकता है। मतलब ये है हमारे पास कि अगर आपकी चॉइस है आपने करना है, लेकिन बेसिकली मतलब जो हम बना रहे हैं वो अपनी रेसिपी में यही है कि हमने वेजिटेबल्स लेनी है। हाँ जी, तो अब अच्छा अच्छे से मिक्स कर लिया इसको हमने। अभी थोड़ा सा ये हमने अच्छी तरह ना मिक्स कर लिया इसमें। ये देखें, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये देखें, और एक जो ब्लैक पेपर की और जो माइनस की जो एक अरोमा सा वो भी बहुत अच्छा सा आ रहा है। और बहुत सिंपल है, मतलब आप इसको झटपट 2-3 मिनट से में मतलब बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है। बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं बनाकर। अगर आप लोग चिकन ऐड करना चाहे चिकन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो मतलब हम लोग बना रहे हैं इसको एग वेजिटेबल के हवाले सैंडविच को बना रहे हैं, तो हम लोगों ने तो ये चीज़ें यूज़ की हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर सम चेंजेस कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब हम इसको स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर अच्छी तरह से हम। ओके, बहुत ही हेल्दी सा ये रेडी हो रहा है क्योंकि इसके अंदर एग है। और अगर आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये अब हम इसके ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर सेकंड जो पीस है वो भी हम रखेंगे कि जस्ट ऐसे ही इसको मतलब डबल 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 होगा। डबल रखेंगे ना। वाओ, मज़ा। हाँ जी, ये मैंने ना दूसरा पीस रख दिया इसके ऊपर। ये देखिए, तो किनारे हम लोगों ने उतार लिए हैं इसके ब्रेड के। मैंने उतार लिए, तो बस जस्ट जो अंदर वाइट वाला है ब्रेड हमने वही यूज़ किया है। तो किनारे हम लोगों ने उतार लिए। इसी तरह हम लोग बाकी जितने भी हमारे जो हैं सारे ब्रेड के पीसेस उसको इसी तरह हम लोग शामिल करते जाएंगे और उनके ऊपर ये सब कुछ स्प्रेड करते जाएंगे। तो आई होप व्यूअर्स कि आप लोगों को हमारी जो सी आज की रेसिपी बहुत ही इजी पसंद आया तो हमें फीडबैक दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मज़े के ये बनेंगे ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार सी ईजी और यूनिक जो सी रेसिपीज़ है नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और इसको ज़रूर बनाएं और हमें अपनी फीडबैक दें। कोई मुश्किल नहीं है, इसको बआसानी आप लोग इसको बना सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आज के सैंडविच की रेसिपी है वो ये देखें आप कितने ज़बरदस्त ये जो हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं। और इसके अंदर जो फिलिंग हम लोगों ने किया वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने बन को भी शामिल किया। तो एक क्रंची क्रंची सा जो सा फ्लेवर आ रहा है वो खाने में फ़ील हो रहा है। और ये देखें जी इसका मज़ेदार सा लुक। और खुशबू भी अच्छी आ रही थी। हमने इसके अंदर माइनस भी ऐड किया और यहाँ पर इसके साथ थोड़ा सा हमने टेस्ट को जो डिफरेंट किया है, हमने यहाँ पर मिठाई रख दी है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट जो डिफरेंट हो जाए। तो अब आप लोग चाय के साथ इसको बनाइए, बच्चों को सैंडविच मतलब लंच भी बना करके सैंडविच दें तो आप लोग बच्चे भी इंजॉय करेंगे और आप लोगों को भी ईजी रहेगा। मतलब सुबह होगा, अगर आपने जल्दी में कुछ सुबह बनाया नहीं है और स्कूल बस आ चुकी है, बच्चों की वैन आ गई और आप लोगों को देर हो रही है, तो आप लोग इसको बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो व्यूअर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।